नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि शिवलिंग पर बेलपत्र के पत्ते अधिक चढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि बेलपत्र के साथ साथ वो अन्य कौन से पत्ते हैं जिन्हें चढ़ाने से भी आप लोगों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर एक, शमी के पत्ते। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शमी के पत्ते भी भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, और आप लोग अगर शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आप लोगों को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शमी के पत्ते भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी को भी समर्पित किए जाते हैं। नंबर दो, अपमार्ग के पत्ते। दोस्तों, अपमार्ग के पत्तों को भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, और इन्हें चढ़ाने से भी आप लोगों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि अपमार्ग के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर तीन, पीपल के पत्ते। दोस्तों, सोमवार के दिन बेलपत्र की जगह आप लोग पीपल के पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन शिव पूजन और पीपल के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। नंबर चार, धतूरे के पत्ते। दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे के फल के साथ साथ धतूरे के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। अगर आप लोगों के पास धतूरे का फल उपलब्ध ना हो तो आप लोग धतूरे के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन की पूजा में धतूरे का फल और पत्ते चढ़ाने का अपना अलग ही महत्व होता है। नंबर पाँच, भांग। दोस्तों, भांग भगवान शिव के अभिषेक में प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप लोग भांग के साथ साथ भांग के पत्ते और भांग के बीज भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ये भी भगवान शिव को बेहद प्रिय होते हैं। नंबर छः, दुर्वा। दोस्तों, दुर्वा का अर्थ होता है घास। दोस्तों, घास भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव को भी चढ़ाई जाती है। अगर आप लोग शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि दुर्वा अमृत के समान होती है। नंबर सात, बांस के पत्ते। दोस्तों, पुराणों में इस बात का वर्णन है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है और उसे संतान सुख की प्राप्ति करने में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तब उस व्यक्ति को शिवलिंग पर बांस के पत्ते अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति करता है। नंबर आठ, आंकड़ के पत्ते। दोस्तों, आंकड़ के फूल के साथ साथ आंकड़ के पत्ते भी भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। दोस्तों, आप लोग आंकड़ के पत्तों को साफ कर उनके ऊपर सीताराम लिख करके उन्हें 7, 9, 11 या फिर 21 के क्रम में भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लोगों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी।